उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के तहसील नजीबाबाद क्षेत्र गणमलपुर बीती रात को पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गुजर रही नहर पटरी के गढ़ पैमलपुर डैम के चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें इंचार्ज संजय कुमार के दाएं हाथ में गोली लग गई है, जबकि बदमाश नशोद निवासी खरी निवासी रामशद को गोली लगी है। तीनों घायल को इलाज के लिए समीपुर लाया गया है। समीपुर अस्पताल में बिजनौर रेफर कर दिया गया है। स्वीट टीम प्रभावी वीरेंद्र ने बताया है कि बदमाशों को 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। पुलिस टीम कोतवाली मनोहर सिंह, संजय कुमार जी, इसके अलावा बिजनौर के आई स्वीट टीम शामिल पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए नजीबाबाद से सैयद जाइम हैदर की रिपोर्ट। ये दो अपराधी हैं जो लूट और डकैती में वांछित चल रहे थे और आज मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस उनके घेराबंदी करी तो उन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिससे पुलिस और उनके बीच मुठभेड़ हुई। इनके नाम नौशाद और शमशाद हैं। नौशाद मिर्जापुर थाना नहटौर का रहने वाला है और शमशाद जो है वो खारी हल्दौर का रहने वाला है। ये 10,000 के इनामी थे, वांछित थे। लूट डकैती के दर्जनों अपराधी की इतिहास है इनके। सर ये मुठभेड़ कहाँ पर हुई? नहर की पटरी पर हुई है, नजीबाबाद के में।